अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यम वाजिद, 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आम तौर पर मुंबई शहर को ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। यहां अवामी मुश्किलात का अंबार है, जिन्हें हल करने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन हमेशा सरगर्म रहते हैं। क्या है ये मामला, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात जहां हर इंसान की मुश्किलात को सुना जाता है और हत्तल इम्कान उनके मसाइल को दूर करने की कोशिश की जाती है। हैदराबाद के अलावा पार्टी अब हिंदुस्तान भर में अपने कदम जमाने लगी है और मजलिस को उसके काम की वजह से कामयाबी भी मिल रही है। ऐसे में मुंबई शहर का एक इलाका है चांदी वली, जहाँ आपको मिलेगा एक इलाका जरीमरी। आप अपने स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं ये वहीं के हैं और मजलिसी कारकुनों में एक का नाम है इमरान कुरैशी, जो अवामी खिदमत के लिए हमेशा आगे रहते हैं। जब भी वो इस रास्ते से गुज़रते हैं तो उन्हें अवामी तकालीफ का अंदाज़ा होता है। उन्होंने आज यहाँ की अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल का जायज़ा लिया है। इलाके के एमएलए से बारहा नुमाइंदगी की गई कि यहाँ पहाड़ी की जानिब से एक रास्ता बना दिया जाए तो राह चलने वाले अफराद को 5 किलोमीटर का फासला ज़्यादा तय करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। इमरान कुरैशी ने वार्ड नंबर 162 के अहदेदारों से बात करते हुए इस मसले को हल करने का मुतालिबा किया है ताकि अवामी मुश्किलात का इजाला हो सके। दोस्तों, अब आप रहिए हर वक्त तैयार, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा तरीन खबरों का अंबार। चाहे घर हो, बस हो या रेल, हम करेंगे आपको अपडेट एवरीवेयर। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।